पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी पंजाब जिला अमृतसर की तरफ से पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के निवास स्थान का घेराव किया गया और सिद्धू की तरफ से किए वादे से मुकर जाने के बारे में पूछा गया। काफ़ी संख्या में कमेटी के सदस्य मौजूद थे। जुझारू तो बंद जला माझे वाले मतलब दूजिया जल्दों अं अपना एक्शन पूरा करा उत्थे जाके जिन्हें मंग पत्र एसटी में लेना वा भावे कोई आवे भावे कोई ना आवे ये सारे पंजाब च प्रोग्राम होने तेई थां ते मैं अमरजीत सिंह कलेर जनरल सकत्तर पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी जिला अमृतसर। अज असी जिहड़ा साडी सूबा कमेटी वालों पंजाब दे सारे जिलों में अपने जिले नाल संबंधित विधायक मंत्रियों तो प्रश्न पुछण का प्रोग्राम लिखा गया सी भी तुसी जिहड़ी अपनी जिहड़ी आ बतौर विधायक जिहड़ी आ पांच साल जिहड़ा तुसी समां अपना काम किया वा तुसी अपनी ये जांदी समय क्योंकि आने वाले समय के जी जल्दी जी इलैक्शन 2022 की विधानसभा की हो रही है तुहाड़ी जी पिछली टर्म जो तुम पांच साल काम किया जड़िया ने पेंशन पक्की हो चुकी ने पर एक मुलाजम आ जरा 15-16 साल जी नौकरी कर रहा जिन्हें भी मुलाजम 2004 तो बाद भर्ती हुए ने वह चाहे पंजाब सरकार के चाहे किसी भी विभाग के काम करते हैं उन्होंने जी पेंशन इन्होंने खत्म कर दी आ और उन्होंने बुढ़ापे का सुरक्षित जी सुरक्षा खत्म करके एक इन्होंने नवी पेंशन स्कीम जी लागू की है। देखो जी ये असं पिछले 6-7 साल तो लड़ रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी पंजाब के अपना झंडे थले तो कांग्रेस सरकार ने 2017 आने तो पहला साढ़े ना वादा किया कि जो सरकार आऊगी अं जी पुरानी पेंशन बहाल करा और अं बार बार इन्होंने मीटिंग की जी कांग्रेस सरकार लगातार साढ़े अपना वादा जोड़ा किया उत्तों भज रही है अज अं पूरे पंजाब एक जोड़ा वा एक प्रोग्राम इतने भी सारे कांग्रसी विधायकों मिल के उन्होंने जोड़े आ कोई सवाल ही साढ़े तो एक विधायक जोड़ा वा एक दिन वास्ते ही चुनिया जाता सहु चुकन तो बाद सारी उम्र वास्ते जो पेंशन का हकदार हो जाता दूसरे पास एक सरकारी मुलाजम आ 30-35 साल जोड़ा अपनी जी जी जान अपनी सेवा करता तो उस बाद जो खाली हथ घर तोर दें ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੰਗ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਜਾਂ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।